तो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में। पॉलिटिकल साइंस के बारे में क्या बोलिएगा, राजनीति। हाँ राजनीति, लेकिन कुछ दूसरे टाइप से। तो देखिए, जो भी लोग सेमेस्टर थ्री में पॉलिटिकल साइंस माइनर 1B में रखे हैं, ठीक है, मतलब सेमेस्टर थ्री पॉलिटिकल साइंस माइनर पेपर में, अगर आपका सिलेबस भारत में राष्ट्रवाद यानी कि नेशनल लेस में इंडिया है, फिर आप भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो काम देगा, ठीक है। बाकी मैं स्पेशली बता दूं, ये आपका रांची यूनिवर्सिटी NPU में काम देगा और जितना भी आपका ऑटोनोमस कॉलेज है उन सब में, ठीक है। इसके अलावा अगर आप भारत के दूसरे यूनिवर्सिटी से हैं और अगर आपका सब्जेक्ट यही है नेशनलिज्म इन इंडिया, तो डेफिनेटली आपका भी काम देगा, ठीक है। फिलहाल चलिए देखते हैं। तो आपका एग्जाम में 75 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 3 घंटा टाइमिंग रहेगा और पास करने के लिए 30 नंबर लाना होगा। इसमें आपके जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ये कुछ देख लीजिए, ठीक है। ये 1 मार्क्स वाले आपके एग्जाम में 5 गो आएंगे, ठीक है। तो एक नंबर या 5 गो नोट करते चलिएगा और पढ़ लीजिएगा। फिर आपका आता है 5 मार्क्स के, तो 5 मार्क्स के आपके एग्जाम में 2 आएंगे, जिसमें इसका आंसर आपको एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड में करना है। जिससे देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उदारवादी परंपरा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, ठीक है। तो उदारवादी, रूढ़िवादी, ये सभी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका है उदारवादी क्रमिक सुधारों के विश्वास करते हैं, विवेचना कीजिए। और मैं इन सभी को जो है क्वेश्चन हाईलाइट करके आपको दे दूंगा, ठीक है। हाईलाइट करना भूल गया और डायरेक्टली आपके वीडियो पे आ गया, सॉरी। मैं नेक्स्ट टाइम पे PDF हालांकि जो दूंगा इसका आपको मैं हाईलाइट करके दूंगा। और ये प्रोफेसर गेस पेपर का है, जो लोग अभी तक नहीं खरीदे खरीद लीजिएगा, 35 रुपया लेगा, ठीक है, मिल जाएगा मार्केट में। और जब आप घर में हो तो ऑफलाइन पढ़ाई करें बुक से, जब आपके पास बुक अवेलेबल नहीं हो, ठीक है, और कहीं बाहर में हो तब आप इसका उपयोग करें पढ़ने के लिए, ठीक है। बाकी जब घर पे हो तो ऑफलाइन पढ़ाई करें बुक से, ठीक है ना, ताकि संतुलन बना रहे, आंख में ज्यादा फोकस ना पड़े। ऑफलाइन ज्यादा पढ़ना की कोशिश कीजिएगा ऑनलाइन के बजाय, और शॉर्ट्स वगैरह देख के दिमाग मत खराब कीजिएगा, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप में देखिए, 15 मार्क्स वाले टोटल 6 आएंगे, जिसमें से किसी 4 को बनाना होगा और इसका आंसर आपको 3 खड़ापन्ना में करना है। अगर आपकी लिखने की स्पीड ज्यादा है, कम है लिखने की स्पीड, धीरे है, तो आप 2 खड़ापन्ना में कीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं इसका अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो दे दूंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप में, भारत में राष्ट्रवाद के प्रमुख कारणों का विवेचना करें, ठीक है, चाहे वितरण दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट करना है, अथवा भारत में राष्ट्रीय जागृति के उद्भव के कारणों की विवेचना कीजिए, ठीक है। क्रिटिकल एग्जामिन द कॉज ऑफ द राइज ऑफ नेशनल अवेकनिंग इन इंडिया, ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहां से आपको पढ़ना है केवल, ठीक है, केवल पढ़ना है, क्वेश्चन लिखिएगा अपने बुक में और इसका आंसर आपको खुद करना है, ठीक है। यहाँ से देख के आंसर नहीं करना है, आंसर आपको खुद करना है अपना माइंड लगा के, केवल यहाँ से आपको नॉलेज लेना है, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला है भारतीय राष्ट्रवाद से संबंधित विभिन्न दृष्टिकोणों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, मेरे पास थोड़ा भी टाइम का अभाव है जिसके कारण मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि मैं जल्दी ही आपको टाइम दे के वीडियो अच्छे से डालूंगा, ठीक है। और इसका PDF का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और बुक जिन लोग नहीं खरीदे हैं वो लोग खरीद लीजिएगा, ठीक है। हालांकि ये पेपर आप लोग पास कर जाइएगा, सब में पास कर जाइएगा, फेल होने का केवल एक ही खतरा है। कौन सा पेपर? तो वही SAC पेपर, एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पेपर। तो उसको ज्यादा फोकस कीजिएगा, डेली पढ़िए कम से कम 1 घंटा उसको। मैंने सभी लगभग 12-13 वीडियो अपलोड कर दिया उस चैनल पे, अपने चैनल पे, डेली एक करके करके देखिए, ज्यादा नहीं 1 वीडियो देख लीजिए, ठीक है, काम दे देगा। ओके बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।